हाउ आर यू, कैसे आप सब लोग? आज की वीडियो में शेयर करेंगे, आज तीसरा दिन है बाय द वे जब हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट डिशेस ट्राई कर रहे हैं। तो आज ट्राई करेंगे कर्नाटका स्टाइल मैसूर पाक। तो उसको हम बनाएंगे बहुत इजी तरीके से कि आपको भी मज़ा आए और आप इजी तरीके से बना भी सको। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल। इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, बहुत ईजी है। हाफ कप लेना है बेसन, हाफ कप लेना है घी और हाफ कप लेना है पाउडर्ड शुगर। तीनों चीज़ें सेम क्वांटिटी में ताकि आपके लिए वो सबसे ज़्यादा इजी। तो सबसे पहले हमें बेसन को थोड़ा सा रोस्ट करना है। तो हम ऐसे ही पैन में कुछ नहीं डालना, सिर्फ बेसन डालेंगे और 2 मिनट के लिए इसे रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पे। ओके, तो उस बेसन को हम निकाल देंगे वापस बाउल में और फिर से पैन लेंगे और उसमें डालेंगे हाफ कप चीनी। यहाँ पे आई एम यूजिंग देसी खांड क्योंकि हम वही यूज़ करते हैं घर पे। एंड साथ में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमें उसे मेल्ट करना है चीनी को अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद मेल्ट करने के बाद 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट के लिए मेल्ट करना है ये भी एग्जैक्टली। एंड जब उसके अंदर ऐसे बबल्स आने लगे तो जाएगा रेडी एंड डन, मेल्ट हो चुका है। विल ऐड नेक्स्ट इंग्रेडिएंट विच इज़ बेसन, जो कि हम ऑलरेडी रोस्ट कर चुके हैं। तो उसे हम इसके अंदर डालेंगे और करेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स करने में हमें लगेंगे कुछ 2 मिनट्स। तो हम इसे अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे ताकि कोई लम्स ना बचे, अभी भी है थोड़े थोड़े। विल कीप ऑन मिक्सिंग इट एंड देन विल ऐड घी। अब हमारे पास जो हाफ कप घी था उसको हमें थोड़ा थोड़ा करके, जो हमारा घी है उसे हम पार्ट्स में डालेंगे, एक बार में के अंदर नहीं डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डाला, इसे मिक्स करेंगे 2 मिनट के लिए फिर से। एंड जब वो हो जाए अच्छे से उसके अंदर डिजोल्व, फिर उसके बाद फिर से डालेंगे एंड सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे जब तक हमारा घी ख़त्म नहीं होता। जस्ट लाइक दिस, आप देख रहे हो वाला घी उसके अंदर डिजोल्व हो गया, अगेन विल रिपीट द प्रोसेस, दैट्स इट। इसमें 3-4 बार हमें ऐसे करना है एंड लुक हाउ गुड दिस लुक्स। और अब आप बीच बीच में करो क्या, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या करा। ऑलमोस्ट डन, ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे किसी भी बॉक्स में, कहीं कोई भी बर्तन लो और उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल सॉरी घी लगाओ और उसको डाल दो। यहाँ पे मेरे को बर्तन लगाने में 2-3 मिनट लग गए और वो थोड़ा जम गया, विच वॉज नॉट कूल। तो आप साथ साथ ही वो चीज़ कर दो। अब यहाँ पे मेरे को यही बॉक्स मिला था तो मैं यहाँ से साइड वाली सारी चीज़ें हटा रही हूँ जो एक्स्ट्रा है। एंड ऑब्वियसली जब घर पर गेस्ट आते तो मम्मा ऐसे करते हैं ना, जो ख़राब है वो बेटा तुम खा लो, मतलब जो सही से नहीं बना और बाकी गेस्ट को दो। तो वो ऐसा कुछ हुआ यहाँ पे, होता है ना कि हर किसी के साथ होता है ना, होता है ना, या फिर सिर्फ ये मैं हूँ। ओके व्हाटएवर, तो हमारे ये जो डिज़र्ट है वो गया रेडी। अब हमें क्या करना है, इसके पीसेस करने हैं। आपको कैसे भी शेप में बनाना है इसको, वैसे आप बनाओ। एंड यहाँ पे मैं जो भी एक्स्ट्रा था उसको हटा दिया, अब हम इसको करेंगे कट। दिखाते हैं एंड में कैसा दिखता है ये।
हमारा हो गया डिजर्ट रेडी. दिस इज हाउ आई मेड दिस. और ये रहा हमारा एक्स्ट्रा वाला पार्ट जिसको अभी हम खा लेंगे, वो भी खाएंगे ये भी खाएंगे, क्योंकि मेरे को परफेक्ट उस शेप का मिला नहीं जहाँ मैं उसे सेम उस पर बना सकूँ. इक्वल प्लेटफॉर्म फ्लैट नीचे. तो जो भी आप समझ गए ना, दैट्स इट एंड इट्स रेडी. तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आई होप आपको पसंद आई हो. बहुत फन तरीके से बताने की कोशिश करी. आई होप आपको पसंद आई हो. एंड येस, जब से मैं स्टेट्स की वीडियोज डाल रही हूँ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिशेज की, मेरे व्यूज ही नहीं आ रहे, मतलब आपको पसंद नहीं आ रही है. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है. क्या मैं वापस जैसे नॉर्मल वीडियोज बनाती हूँ उसी पर आ जाऊँ, या फिर ये कंटिन्यू करूँ? व्हाट डू यू से? एंड अगर यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो ना, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू हियर. दैट्स इट फॉर टुडे.